दोस्तों आज हम बात करेंगे मियाजाकी मैंगो के बारे में। जो मियाजाकी का जो मैंगो प्लांट है वो इंडिया में अभी देखा जाए तो अभी के डेट में लाखों प्लांट सेल किया जा रहा है, और ये प्लांट आपको सेल हो रहा है कम से कम देखा जाए तो 500 से लेके 4000 तक का आपको ये प्लांट मिल जाएगा आपको। और इंडिया में आपको एक काफ़ी ईजी ये प्लांट है जो आपको इंडिया में मिल जाता है मियाजाकी मैंगो का। तो आज हम बात करेंगे मियाजाकी मैंगो प्लांट के बारे में, जो हमने काफ़ी ज़्यादा 6 महीना से रिसर्च किया, इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत सारा चीज़ पर रिसर्च किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये आप लोगों को बतलाना बहुत ज़रूरी है, जो आप मियाजाकी मैंगो का प्लांट आप खुशी खुशी ख़रीद लेते हैं उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आखिर मैं आपको बतलाता हूँ आखिर मियाजाकी मैंगो प्लांट इतना पॉपुलर क्यों है और किधर से आता है। तो देखो सबसे पहले जो ये प्लांट है मियाजाकी का, ये आपका जापान में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है और जापान का ये मैंगो है। और जापान में भी देखा जाए तो ये मैंगो आपका लिमिट ही तरह से उत्पादन होता है, फार्म जिसका है बहुत लिमिट है, बहुत कम के मात्रा में आपका जापान में उगा जाता है, और इसलिए इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो कुछ अभी साल डेढ़ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था जो मियाजाकी का जो मैंगो आपका 2.5 लाख किलो के आसपास बिका हुआ था, जो काफ़ी पॉपुलर था, जब से प्लांट इंडिया में आपका काफ़ी क्रेज़ हो गया है, प्लांट परचेस हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से परचेस हो रहा है। तो ये प्लांट मियाजाकी का जो प्लांट है आपका जापान में होता है, और जापान में भी इसका बहुत लिमिट ही फार्म होता है, बहुत कम उत्पादन है ये मैंगो का, और काफ़ी कम उत्पादन के कारण जो ये मैंगो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अभी के डेट में देखा जाए तो मियाजाकी मैंगो आपको मिल जाएगा कम से कम $50 से लेकर $90 के आसपास में आपका एक काम मिलता है जापान में। और ये अभी देखा जाए तो बाकी जगह भी मिलना चालू हो गया, जैसे दुबई है, दुबई में और भी अच्छा कंट्री में आपको ये मैंगो मिल जाता है, मगर ये मैंगो काफ़ी ज़्यादा ही लिमिट है। जो अभी देखा जाए तो जो मैंगो है वो आपको जापान में भी इसका प्लांट नहीं मिल रहा है जिस तरह से, क्योंकि इसका काफ़ी लिमिट तरह से यूज किया जाता है, इसका जो ब्रांच रहता है वो काफ़ी कम है बाकी मुकाबले के कारण, इसको जो प्लांट कम जो ब्रांच रखा जाता है काफ़ी कम रखा जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो ये प्लांट का जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जापान में भी देखा जाता है प्लांट का जो लिमिट है काफ़ी कम है, और काफ़ी कम ही प्लांट आपको जापान में भी मिलता है। और इसी के कारण क्या है कि जो आपका देखा जाए तो जो जापान में भी ये मैंगो का प्लांट काफ़ी कम मिल रहा है, और बाकी कंट्री में देखा जाए तो प्लांट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से इंडिया में बेचा जा रहा है उस तरह से बाकी कोई भी कंट्री में मैंने रिसर्च किया तो ये प्लांट इतना इजी मिल ही नहीं रहा है। जिसके बगल में जो चाइना है उसमें आप देखा जाए तो बिल्कुल भी मियाजाकी का कोई फार्म नहीं है, और ये प्लांट उधर भी कम ना के बराबर मिलता है ये प्लांट। और बाकी जगह भी देखा जाए जैसे रूसिया है, अमेरिका है, उस किधर भी ये प्लांट अवेलेबल नहीं है, और ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिल रहा है। और इंडिया में इतना मिल रहा है कि आप देखेंगे जो अभी आप ऑर्डर करेंगे आपका कल से परसों आपका प्लांट आपका डिलीवर हो जाएगा, इतना ईजी तरह से आपको ये प्लांट मिल रहा है। तो इंडिया में ये प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है, जो फ्रॉड हो देखा जा रहा है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप तो मियाजाकी नाम सुन के या वायरल वीडियो देख के आप ये प्लांट ले लेते जो 2.5 लाख किलो है, हम भी लगाएंगे और खाएंगे आखिर क्या इसका टेस्ट है। तो देखा जाए तो इंडिया में ये भी प्लांट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जो ये प्लांट बेच रहा है वो ना के बराबर आपको मियाजाकी का मैंगो दे रहा है। ये प्लांट आपको सेम टू सेम आपका रेड पाल्मर दिया जा रहा है या उसके जगह पे कोई चाइनीज प्लांट है जो आपको सेम टू सेम मियाजाकी का दिखता है वही प्लांट आपको सेल किया जा रहा है। मियाजाकी का अभी तक आपका कोई नर्सरी वाला पूरा 100% गारंटी नहीं लेगा कि ये मियाजाकी मैंगो है। हाँ, आपका कोई नर्सरी आपको गारंटी लेके भी आपको ये प्लांट दे देता है, आम आपका पेड़ पर लग भी जाता है, तो ये बिल्कुल भी कोई भी ख़रीदेगा ही नहीं 100% मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप जब मार्केट में किधर भी आप बेचने के लिए ट्राई कीजिए तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। और इसका बिल्कुल भी आपका इंडिया में देखेंगे तो आपका 5000 में क्या आपका 5000 क्या आपका 2000 किलो में भी आम बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, क्योंकि आम बिल्कुल मिलता ही नहीं है मियाजाकी प्लांट। आप मालूम नहीं इंडिया में ये प्लांट इतना ज़्यादा क्यों सेल हो रहा है, और इतना ज़्यादा इसका इंडिया में प्लांट का प्रोडक्शन किधर से चालू हो चुका है यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 1-1.5 साल में इसका जो वीडियो वायरल हुआ, जब से इसका प्लांट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बिका जा रहा है, और सेम टू सेम आप देखें तो मियाजाकी और रेड पाल्मर और एक और चाइनीज जो मैंगो है वो सेम टू सेम आपको मियाजाकी का ही रहता है, और सेम टू सेम कलर भी रहता है, अंदर पीला आपका देखेंगे तो फल भी रहता है, वही साइज सेम टू सेम बेचा जा रहा है, और मियाजाकी के नाम पे आपको दिया जा रहा है, आपका हर तरह का अलग ब्रांच में आपको दिखाया जाता है। तो
मियाँ जाकी के नाम पे हम कोई दूसरा आम खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि ये मियाँ जाकी हम खा रहे, तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपका कोई अगर नर्सरी आपका 100% गारंटी लेता है, 100% गारंटी लेके बोलता है कि हाँ ये मियाँ जाकी मैंगो है, या वो नर्सरी बहुत पुराना भी है तो आप अपना विश्वास के ऊपर खरीद सकते हैं। मगर ये अभी के डेट में देखा जाए तो लाखों प्लांट इंडिया में जो मियाँ जाकी के नाम पर बेचा जा रहा है बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। आपका जिस नर्सरी पर ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा पुराना है और वो आपका 100% गारंटी लेता है, तो भी आप एक बार लेके लगा के देखें और उसका रिजल्ट देखें। बाकी मैं अभी बिल्कुल भी नहीं देखा, बतला सकता हूँ कि आपको मियाँ जाकी मैंगो आपको मिलेगा। बाकी ऐसे आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।